चल आ रहा है कॉमेडी और फन का नया टिकटॉक फन टकाटक। आप देख रहे हैं वसई सप्ताह हिंदी न्यूज। मेरे प्यारे टिकटॉकर्स दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपकी हालत समझ सकता हूं, आपकी दशा और दिशा समझ सकता हूं, क्योंकि इसमें आपका कोई कसूर नहीं। टिकटॉक जब से आया था इन 4 सालों में आपने दिन में 4-4 वीडियो डालकर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट का हमें एक दर्शन कराया था। कभी आप गाते थे, कभी आप हंसते थे, कभी आप किसी और के गाने पर परफॉर्म करते थे, किसी और के गेटअप में परफॉर्म करते थे, दिल खोल के आपने परफॉर्मेंस दी और कहीं ना कहीं आपने एंटरटेन किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सच्ची पूजा है, एक सच्ची प्रार्थना है। किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कॉमेडियन हूँ और समझ सकता हूँ आप पर जो गुजर रही है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत लोग आपका मजाक उड़ा रहे, हो सकता है मेरे मुँह से कुछ निकल गया तो भैया आपके पैरों को पकड़ के मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है, और क्योंकि आप कलाकार हो, आपके नीयत में कलाकारी है, आपकी नीयत में लोगों को हंसाना है, एंटरटेन करना है, और कई सालों से आप लोगों को हंसा रहे हैं। कई लोगों को मिलियंस फॉलोअर थे तो आपका घर भी चल रहा था, परिवार भी चल रहा था, वो सारा एंगल भी मैं समझ सकता हूँ कि जिस वक्त हम लोग इस वक्त जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जिस माहौल से गुजर रहे हैं, फिल्म लाइन में, फिल्मी दुनिया में और बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इसमें आप पर ये गाज गिरी है। तो टिकटॉक पर आप थे तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। टिकटॉक चाइनीज़ ऐप था इसलिए वो बैन हुआ है, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए भी इंडिया में कोई ऐप आ जाए जिस पर आप बिल्कुल वही परफॉर्म कर सको, वैसे ही आप खुशी खुशी आ सको। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी बात का बुरा लगा और किसी की भी बात का बुरा लगा हो, तो दुनिया जहान की तरफ से ऑल टिकटॉकर्स को मैं चरण स्पर्श करके माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा हंसते रहे। वैसे भी हिंदुस्तान में टिकटॉक ऐप बैन हुआ है, लेकिन टिकटॉक जो है उसकी आवाज़ें गूंजती रहेंगी। टिकटॉक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जब भी आप घोड़े की आवाज़ सुनोगे, घोड़ा गाड़ी के टिकटॉक टिकटॉक, तो वहाँ से आवाज़ आएगी। जब भी आप वो गाना सुनोगे, हाल चाल ठीक ठाक है हाल चाल, तो आपको टिकटॉक याद आएगी। दरवाज़ा खुला छोड़ आई नींद के मारे, बैकग्राउंड टिकटॉक 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 टिकटॉक। और तो और व्हाट्सएप पे आप किसी को मैसेज करोगे, चैटिंग करोगे, चैट यानी बातचीत करना होता है, तो जब ग्रीन टिक लग जाता है तो टिक, और आप जो कर रहे हैं चैट पे बात यानी टॉक, तो टिक टॉक वहाँ भी रहेगा। इस तरह से टिकटॉक जो है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सब हंसते रहिए, क्योंकि आपने दुनिया को बहुत खुशियाँ दी। चाहे जैसे भी जो भी आपका टैलेंट था, कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया, किसी ने कुछ भी किया होगा, लेकिन नीयत जो थी वो सिर्फ हंसाने की थी, किसी को दिल को दुखाना नहीं था। कल सेल में टिकटॉक ना हो, बाकी तो सारे रहेंगे सदा। 59 चाइनीज थे पर ऐप हमारे आएंगे सदा, कहेंगे वहीं फिर हा हा हा, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जितना भी अवॉइड करो, हम है वहीं हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो रियल टिकटॉकर्स, सच्ची बता रहा हूँ, आप मेरे दिल में हैं, और आप हर उस दिन दुखी के दिल में हैं जिसने आपका वीडियो देखा और पल भर के लिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने ईश्वर की भक्ति की है, ईश्वर की सेवा की है, क्योंकि जब आप हंसते हो तो ईश्वर की प्रार्थना करते हो, और जब आप हंसाते हो तो ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। तो ईश्वर की प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना बेकार नहीं जाएगी।
आपके चेहरे पे जो पलभर की मायूसी आई है वो फिर से मुस्कुराहट में बदल जाएगी और फिर उस एक बार हमारे टिकटॉक के सारे स्टार सितारे फिर एक बार हमारे बीच में उसी तरह से आएंगे। हो सकता है कि इंडियन स्टाइल के का कोई ऐप आ जाए, वेट फॉर इट, वेट एंड वॉच। लेकिन तब तक लव यू, अपना ख्याल रखो, आप जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा हूं सुनील पार। टिकटॉक स्टार अब परेशान ना हो, क्योंकि जल्द आ रहा है आपके बीच फन और कॉमेडी का नया टिकटॉक फन चकाचक।